हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मल्टीटेक शारवे में। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ मिसिंग नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए, इससे पहले भी मैं एक दो वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हमारे पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन बताने का तरीका और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, देखिए कैसे ये बना है। पहले 7 है, फिर 21 है, फिर 15 है और नीचे दिया हुआ है, ज्यादा नंबर दिया है तो आखिर इसको क्या करेंगे? तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर ज्यादा नंबर का डिमांड हो रहा तो या तो एडिशन होगा नहीं तो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि इसको कैसे यहाँ पे करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक नंबर मशीन है। ठीक है, तो कैसे ये करेंगे, तो कैसे होगा, देखिए इसको क्या करेंगे। पहले मैं फुली प्रोसेस के साथ बता देती हूँ कि कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो करेंगे 7, ठीक है, 7 × 3 और क्या कर देंगे, -1। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 7 × 3 = 21 और 21 में से माइनस कर देंगे तो 20 और 20 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा ना, 140। देखिए नीचे का आ गया 140, उसी के अनुसार अब हम लोग दूसरा करेंगे 21। तो क्या करेंगे, 21 तो 21 × 3 और माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, तो 21 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 और 63 में से -1 करेंगे तो 62 और × 21। जब 21 × 62 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1302 हो जाएगा, मीन्स 1302 हो जाएगा। तो देखिए हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं आता है तो। ठीक है, देखिए आ गया ना, आ गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अब हम लोग देख लेते हैं उसका क्या हम राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 × 3 और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 15 × 3 = 45 और 45 में से -1 करेंगे तो क्या होगा, 44। ठीक है, -1 करेंगे तो 44 और 44 × 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 660। क्या हो जाएगा, 660। देखिए हम आपको मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। ठीक है, है ना, 660। ठीक है, और 660 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या फील हो जाएगा, 660 और 660 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो, और आप लोग भी 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 8, 13, 18 क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब 2 में आंसर आएगा। ठीक है, फिर 2 है, 11 है, 20 है और 29। पहले देख लेते हैं कि इन सबका आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस ही निकालेंगे ना। तो 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। फिर 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। 13 में 8 का कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस। देखिए सब 5 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, सब 5 का। तो यहाँ भी 5 का ही डिफरेंस होगा, 5 का ही डिफरेंस होगा। तो जब 18 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ऊपर का तो हम लोग को मिल गया 23, समझ में आ रहा होगा, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 5 का डिफरेंस था, कुछ चेंजिंग नहीं था कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो 3 का डिफरेंस है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नीचे में किस चीज का डिफरेंस है। तो देखिए 2 और 11 में किसका डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है ना, 9 का डिफरेंस। 11 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 29 में कितने का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस। तो जब ये
नीचे में भी सबका ऊपर के जैसा ही पैटर्न बढ़ रहा है, सब 9 का ही डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ भी तो 9 का डिफरेंस है, तो 29 में हम लोग क्या करेंगे, 9 को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 29 में जब 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38, ठीक है। और तो ये इसका आंसर क्या निकला, 23/38। ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 23/38, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए मैं जो बनाती हूँ वैसे छोड़ देती हूँ, ताकि आप लोग को नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 4 है, 9 है, 15, 22, 30, एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है और एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो ऊपर में हम लोग देखेंगे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स बढ़ते क्रम में है ना, और नीचे में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स घटते क्रम में है। तो पहले हम लोग ऊपर का देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। देखिए ऊपर में कितने का डिफरेंस है, तो देखिए 4 में 9 कितने टाइम्स में है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मीन्स कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है, मतलब 4 के बाद आया 9, ठीक है। फिर इसमें देखिए 15 कितने बार आया, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 5 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 15 के बाद 22, तो 6 के बाद है ना, 6 डिफरेंस के बाद, और यहाँ पे क्या है, 7 के बाद, 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का डिफरेंस, मीन्स 8 के बाद हो जाएगा। तो उसमें 8 के बाद तो 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा ना, 8 के बाद का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 39। जब हम 30 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना 39। देखिए 4 के 4 नंबर के बाद है, 5वां नंबर लिखा गया है, ठीक है। तो उसी अनुसार फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो गया, 9, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब यहाँ पे 39 लिखा है, तो आप ऑप्शन में भी अगर एक नजर देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं 39 दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग यहीं पे टिक मार सकते हैं, यहीं पे हमारा राइट आंसर हो सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसे नहीं हम लोग मार सकते हैं, ठीक है। अब नीचे का डिफरेंस दिखा देते हैं कि क्या होगा। तो देखिए 16 और 36 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना, आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। फिर 36 में 60 का कितने का डिफरेंस है, 24 का, और 60 में 88 का कितने का डिफरेंस है, 28 का। फिर 88 में 120 कितने का डिफरेंस है, तो 32 का। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि नीचे में कितने का डिफरेंस जा रहा है, तो 4-4 का डिफरेंस जा रहा है, पहले 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 4 डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 36। तो जब हम 120 में 36 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा ना। और देखिए 156 39 बाई 156 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी, जो कि हम लोगों को पहले ही दिख गया था, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये जो यहाँ पे ये नंबर कुछ तो ऐसा होगा, तो सबका देखिए 7, 2 जा 14 है ना, 14, 4 जा 56 सबका है, कुछ ना कुछ है, 28, 2 जा 56 है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर बैठाएंगे जो उससे भी 56 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14, 4 जा 56 आ गया बीच का नंबर, 28, 2 जा 56 आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा बैठाएंगे तो 7 × कुछ करेंगे तो 56 होगा, तो क्या करेंगे, ऑप्शन में देखिए तो क्या करेंगे, 8 को तो 7 × 8 जाए क्या होगा, 56। ये तो बहुत ईजी था, तुरंत बन सकता था, तो यहाँ पे क्या भर जाएगा, 8, और ये 8 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं इतना ही तक रहने देती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।